कौन बनेगा करोड़पति का विजेता बनने का। झांसा देकर एक ठग ने 25 लाख रुपए लॉटरी के सपने दिखाए और इसके बाद खुद के अकाउंट में पीड़ित से 32,000 रुपए ट्रांसफ़र करवा लिए। मामला झुंझुनू जिले के कोतवाल थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने आरोपी को बिहार के चंपारण से गिरफ्तार कर लिया। 25 लाख रुपए लॉटरी का झांसा देने वाला ठगी पुलिस की गिरफ्त में और पुलिस ने आरोपी को बिहार के चंपारण से गिरफ्तार कर लिया। झुंझुनू निवासी पीड़ित ने 7 जून को पुलिस में रिपोर्ट दी थी। पीड़ित ने बताया कि उसके बेटे के व्हाट्सएप पर कॉल आया और कहा गया कि कौन बनेगा करोड़पति में, आपके मोबाइल नंबर पर 25 लाख रुपए की लॉटरी निकली है। फ़ोन करने वाला लगातार संपर्क में रहा और इसके बाद उसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और अकाउंट की सारी डिटेल उपलब्ध करवा दी। फ़ोन करने वाले ने बताया कि लॉटरी की राशि आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए 52,000 रुपये खर्च करने होंगे और इसके बाद आरोपी के बताए अनुसार 32,000 रुपये पीड़ित ने उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को बिहार के चंपारण से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी से ठगी की और ये मामले खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।